देव, जैसा कि आप सब जानते हैं यही हमारी शान है, हमारी बान है और यही किसानों की पहचान है। भारत की अगर रियल दौलत है तो यही स्वर्णिम, ये सरसों का फूल जो आपको इस मौसम में देखने को मिलता है। इसमें सिर्फ सरसों का फूल ही नहीं, भारतीय किसान, भारतीय समाज का आत्मा बसता है। जैसा कि आप सब जानते हैं इस क्षेत्र में भारत के आज़ादी के बाद से यदि सरकार ध्यान दिए हैं तो सबसे पहले कृषि पर। आज कृषि को लेकर के ही आज देश, अगर आज उद्योग को देखा जा रहा है या देश का विकास को देखा जा रहा है तो आज कृषि को लेकर के ही सबसे पहले पहल किया गया और आज कृषि के कारण इतना कुछ संभव हो पाया। लेकिन देश आज़ादी के 73, 74, 75 साल के बाद हम क्या देख रहे हैं कि आज यही औद्योगिक क्रांति या उद्योग या बहुत तेज़ी से दुनिया आगे बढ़ते हुए डिजिटल दुनिया में कहीं ना कहीं किसान भाई अपना पीछे रह जा रहा है। आज ये लहराता हुआ खेत या जैसा कि आप देख रहे हैं यही खेत की ज़रूरत है देश के विकास के। हम सभी, आप सभी सभी जानते हैं कि कृषि के क्षेत्र आज अगर भारत देश है तो सबसे पहले कृषि है। कृषि प्रधान देश भारत को कहा गया है और हम सब इस भाग दौड़ भरी ज़िंदगी में कृषि को ही पीछे छोड़ते जा रहे हैं। आज गांव का किसान के साथ क्या हो रहा है, महिलाओं पर खेती बाड़ी छोड़ कर के किसान शहर की ओर काम पे निकल गए। कृषि को ज़रूरत है पढ़ा लिखा इंसान उसको समझे और खेती पर ध्यान दे, क्योंकि देश की धरोहर कृषि है। और आज के डेट में हम लाख प्रयास कर लें, एक हमारे सिर्फ कहने या बोलने से देश का विकास नहीं हो सकता। लेकिन यदि हम सब मिल के आज के डेट में अगर एक जवान शहीद होता है तो हम सब टोली, भीड़ वगैरह, दुनिया सब उसके पीछे लड़ते हैं, ये बहुत अच्छी बात है। यदि किसान आज आत्महत्या कर रही है तो हम सब उसके घर वाले से पूछने तक नहीं जाते क्या मुसीबत था, क्या परेशानी था। तो हम चाहेंगे जिस तरह जय जवान के लिए नारा लगता आ रहा है आगे भी लगता रहे तो हम इस किसान भाइयों को कैसे छोड़ सकते हैं। हम चाहते हैं ये किसान भाई को भी जय जवान के साथ जय किसान का नारा जो आप सब सुने हैं, इस नारा को कहीं ना कहीं जो अपनी धरोहर ख़त्म होता जा रहा है, इस धरोहर को हम चाहेंगे दोबारा से हम सब मिलकर वापस लाएं और कृषि क्षेत्र में विशेष योगदान दें। और कृषि से ही आज हम जानते हैं हर क्षेत्र में या औद्योगिक क्रांति की देन है तो वो खेती है। जैसा कि हम जानते हैं जब पाकिस्तान और भारत में युद्ध हो रहा था तो अमेरिका हम सबको सपोर्ट देना बंद कर दिया। कहीं न कहीं उस समय चाहे वो पंचवर्षीय योजना हो, प्रथम पंचवर्षीय योजना हो या योजना आयोग हो या सरकार की जो भी कार्य रही है आज़ादी के तुरंत बाद, वो कृषि के लिए ही सोचा गया और इसी कृषि के कारण आज उद्योग है और उद्योग से आज सारा कुछ संभव है। तो हम सब किसान को फिर से एक बार जगाना चाहेंगे, उठाना चाहेंगे और फिर से जनता को जागरूक करके कृषि पर विशेष ध्यान देते हुए खेती करवाना उचित समझेंगे। आप सब कहीं न कहीं किसान भाइयों का परेशानी जो उनके नज़दीक है उनका समस्या का दूर या निपटारा ज़रूर करें। धन्यवाद, 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 धन्यवाद।